बिहार राज्य के वैशाली जिले में महुआ अनुमंडल के मधौल पंचायत के चपत्ते गांव में सुनीता जी, जो कि परिवर्तन जन आंदोलन की सक्रिय सदस्य हैं, पिछले 2 साल से वो दबंगों के खिलाफ मुकदमा लड़ रही हैं। इनका साथ परिवर्तन जन आंदोलन के लोग दे रहे हैं और संगठन के लोग मिल करके हम लोग आगे की जो भी रणनीति तय करेंगे उस रणनीति को सब लोग मानेंगे और सब लोग एक आवाज में बोलेंगे और एक जैसा चलेंगे, एक राह पर चलेंगे। लड़ने के लिए अकेले अकेले नहीं लड़ सकते, क्या दीदी? सब मिलकर के लड़ना पड़ेगा, इकट्ठे मिलकर के सब लोग को तय करना पड़ेगा कि हाँ आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, करते जाना। आज हम लोग हेडमास्टर से मिले, आज शाम को जाकर के हम पुलिस थाना में मिलेंगे, परसों जाकर के हम वीडियो से मिलेंगे। ये ऐसे करके हम लोग को प्लानिंग करना होगा और हम सब लोग को मिलकर के उस पर काम करना पड़ेगा। क्या करेंगे बताइए? 5-10 मिलकर वहाँ जाएगा, हाँ कांप जाएगा। बहुत बार ऐसा है कि हमको अपने को जागरूक होना है। बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो खुद भी जागरूक नहीं हुए हैं, अब उनको भी जागरूक करना है। हमको खुद को जागरूक होना है और बाकियों को जागरूक करके हमको अपने हक अधिकार को पाना है, यही हम लोग तय कर रहे हैं। तो हम सब लोगों के अंदर भी एक ऊर्जा है ना, हम सब लोग के अंदर भी एक शक्ति है, उसको हम सब लोग को पहचानना है और हम सब लोगों को उस शक्ति का इस्तेमाल अपने हक अधिकार को पाने के लिए करना है। स्कूल में परिवर्तन जन आंदोलन के सदस्यों को कमरे में बंद कर देने के सवाल पर महिला सदस्यों की बैठक हुई, इसमें आगे की कार्रवाई पर विचार करती हुई ये महिलाएं, आज ये महिलाएं सर उठा के खड़ी हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लगातार बोल रही हैं। इनका कहना है कुछ भी हो जाए लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ हम जरूर लड़ेंगे। मैं अजीत बहादुर, बिहार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।